हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो 24/7 पे। तो आज हम लोग हमारा इजी इकोनॉमिक सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को भी खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग अपने बचे हुए दोनों मार्केट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक को समाप्त कर देंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग के दो मार्केट्स को डिस्कस किया था, तो इसको देखने से पहले आप उन दो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए ताकि आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे का लेक्चर। तो आज हमारे पास जो मार्केट है उसका नाम क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बच्चा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट है जो मार्केट आज तक आपने अपने लाइफ में देखी है, वो सारी की सारी मार्केट क्या है? मोनोपोलिस्टिक है मोस्टली। फॉर एग्जांपल सरोजनी नगर आप लोग गए होगे, जनपथ गए होगे, ठीक है, आपके घर आपके गलियों में जो वीकली मार्केट्स लगती है वहां भी गए होगे। तो ये सारी की सारी मार्केट्स किसका एग्जांपल है? ये है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं और प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होते हैं। यहाँ पर एक दुकान पर जो सामान मिलेगा जरूरी नहीं है कि दूसरी दुकान पे भी सेम वही सामान मिले। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ कॉमन थिंग इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। नाउ इन विच देयर आर मैनी फर्म्स विच सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंटेड प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप एसएन जाते हो तो जरूरी हर दुकान पे, एक दुकान पे जो आपको टॉप दिखा या कोई शर्ट दिखी या कोई जीन्स दिखी, दूसरी दुकान पे सेम वही जीन्स या सेम शर्ट आपको दिखे, डिफरेंट हो सकता है। ओके, बहुत हाई चांसेस चीज के। तो उसी को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कहते हैं। फीचर्स देखो, पहला फीचर्स है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स लार्ज नंबर, बायर्स भी बहुत सारे होते हैं और सेलर्स भी यहां पर बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कोई भी अपनी दुकान इसके अंदर लगा सकता है, उसे प्रॉफिट लगे, और कोई भी अपनी दुकान यहां से खाली करके जा सकता है अगर उसको यहां पे लॉस फेस करना पड़े। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स जो सामान पहली दुकान पे है जरूरी नहीं सेम सामान वो आपकी दूसरी दुकान पे भी मिल सके। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज मीन्स होता है कि देखो इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं तो बायर्स के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों के लिए हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉइंट उठ के आया कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों को ही परफेक्ट प्रोडक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती जितनी अच्छी परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने देखा था। लास्ट, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट को हम क्या लिखते हैं? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी आपकी यहां पर होती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, भैया जिसको अपना सामान सुपीरियर दिखाना है तो वो अपना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ पे अच्छी लगाए, तो वही क्या होती है? आपकी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर मानी जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? तो ये मार्केट थी आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जो कि जनरल मार्केट है, जो कि आप सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, ऑलिगोपॉली। बहुत डिफरेंट मार्केट है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आती ऑलिगोपॉली। सॉरी, ऑलिगोपॉली क्या है? ऑलिगोपॉली बेसिकली पता है क्या होती है? एक ऐसी मार्केट जो बहुत बिग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो चलाते हैं मार्केट ये, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, आप लोगों ने पिज्जा हट का नाम सुना है, पिज्जा डेड का नाम सुना है और डोमिनोज का नाम सुना है। तीनों में कॉमन चीज क्या है? पिज्जा। तीनों पे कॉमन पिज्जा मिलता है, तीनों का रेट भी सेम होगा, बट स्टिल आप में से कुछ लोग पिज्जा डेड प्रीफर करोगे, कुछ लोग पिज्जा हट प्रीफर करेंगे और कुछ लोग डोमिनोज प्रीफर करेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट। क्योंकि प्राइस तो सबका सेम है ना, जब प्राइस सेम है तो कंपटीशन कहां पर आ गया? टेस्ट पे आ गया, एक एम्बियंस पे आ गया। ओके, कौन कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट कर सकता है उस पे आ गया। तो वही चीज यहां पर भी है। एक ऐसी मार्केट, देयर इज अ फ्यू बिग फर्म्स कंपीट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, देयर इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ फर्म विच रिगार्ड टू प्राइस आउटपुट डिसीजन। यानी कि ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे कुछ ही फर्म्स होती हैं जो हाईली इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इनके प्राइस और आउटपुट डिसीजन एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंड होते हैं।
एक मार्केट अगर प्राइस आउटपुट में कुछ भी छेड़खानी करेगा तो दूसरी मार्केट भी प्राइस आउटपुट में तुरंत छेड़खानी कर देगी। एक कुछ भी नया स्कीम लॉन्च करेगा, दूसरी भी लॉन्च कर देगी। यानी कि ये एक होता है कि एक तरीके से ये लोग कार्टल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कार्टल, CARTELS, कार्टल्स। कार्टल्स मतलब क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है जहां पे ये लोग बोलते हैं कि देखो भाई, हम लोग प्राइस के नाम पे लड़ेंगे नहीं कभी, प्राइस हमारे सेम रहेंगे, लेकिन हाँ एडवर्टीजमेंट हम अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। आपका मन है आप शाहरुख खान जी से कराइए, हमारा मन है आमिर खान जी से कराएंगे, आपका मन है अक्षय कुमार जी से कराइए, किसी से भी कराइए, हमें मतलब नहीं है। आप किसे कराइए, आप जिस मर्जी से कराइए, आप शाहरुख खान से कराएंगे तो हम अक्षय कुमार से कराएंगे, आप सलमान खान से कराएंगे तो हम ऋतिक रोशन से कराएंगे। यानी कि एडवर्टीजमेंट पर इतना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा खर्च होता है, कोई हद नहीं है इसकी। और यही इनके मार्केटिंग है भैया, जिसकी एडवर्टीजमेंट सबसे अच्छी उसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा। तो वही चीज है कि भैया ये सारे मिल बैठ के काम करते हैं, प्राइस को कोई नहीं छेड़ेगा। कार्टल्स में ऑलरेडी दिखा दिया है कि प्राइस को कोई भी नहीं छेड़ेगा। जब प्राइस को कोई नहीं छेड़ेगा तो बात कहाँ पर आ गई? भैया आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखिए, एडवर्टीजमेंट बेस्ट रखिए, ठीक है, लुक, पैकिंग करने का तरीका, देखने का तरीका, अपियरेंस, एम्बियंस, इन सबको अच्छा रखिए तो कस्टमर आपके पास आएगा। तो वही ये मार्केट है। सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अ फ्यू बिग फर्म्स, कुछ ही फर्म्स होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होती है। इन पे इतना रिजर्व है कि 5-6 साल तक अगर लॉस में जाएंगे ना तो भी उन्हें रत्ती भरे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही चीज है। डिफिकल्ट एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कोई भी न्यू फर्म आ नहीं सकती इनके बीच में। अगर कोई भी न्यू फर्म आएगी तो ये लोग अपनी प्राइस आउटपुट पॉलिसी कुछ इस तरीके से लॉन्च कर देते हैं कि वो फर्म अपने आप ही टाटा बाय बाय कर देती है। भैया हमारे बस की नहीं, क्योंकि ये लोग तो लॉस झेल लेंगे बट वो नई नवेली फर्म है वो कैसे लॉस झेल पाएगी। तो ऑटोमेटिकली इनके लिए क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है किसी नई फर्म को एंटर करना। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पे कंप्लीटली। एक प्राइस आउटपुट चेंज करेगा, दूसरा भी प्राइस आउटपुट चेंज करेगा। हैवी सेलिंग कॉस्ट, मैंने बताई थी आपको भैया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट दबा के लगाते हैं, दबा के। इतनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है ना यहाँ पे, इतनी हैवी, बड़े लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर देना एडवर्टीजमेंट पे सिर्फ। प्राइस रिजिडिटी, मैंने पहले बता दिया कार्टल्स फॉर्म होते हैं जहां पर प्राइस की कोई भी बात नहीं होती, प्राइस को फिक्स कर देते हैं, भैया प्राइस कोई भी चेंज नहीं करेगा। आप एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कीजिए, सेलिंग कॉस्ट कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्राइस शुड बी द सेम, नॉट शुड बी, प्राइस मस्ट बी द सेम। ओके, ये था बच्चा आपका ऑलिगोपॉली मार्केट। नेक्स्ट मार्केट, अब यहाँ पे क्या देखो, दो मार्केट अभी खत्म हो चुकी हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, कम एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। जैसे डुओलोपॉली, डुओलोपॉली क्या होती है? डुओ डुओ मतलब टू, टू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। सेलर्स दो होंगे, खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। ओके, मोनोपसोनी, मोनोपसोनी क्या है? मोनो मतलब वन, तो वन बायर मैनी सेलर, वन बायर मैनी सेलर, खरीदने वाले बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाला एक ही। डुओप्सोनी, टू बायर मैनी सेलर, बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाला एक ही है, सॉरी टू है। बायलेटरल मोनोपोली, बायलेटरल मतलब वन बायर वन सेलर, बायलेटरल आमने सामने, तो बायलेटरल वन, खरीदने वाला भी एक और सेलिंग करने वाला भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट को फिनिश कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।